छोरा पग हरियाणे आरा, यो छोरा हरियाणे आरा। भाई आज प्योद पुराण का काम शुरू कर रहा था, लेकिन भाई प्योद में देख पानी नहीं रह रहा, तो उसका तो चलाना पड़ रहा है ट्यूबवेल। अरे यो हाथ में यो भाई ले रहे हो बेर जा लगाते लेके मैं देख ही लागत किधर है आएगा नहीं छाड़ लगा दिया। तो वही के यो इस पट्टे उतर को ना देश पड़ता है, तो हाथ काले हो गए मेरे भी। तो इस इंजन ने चलावांगे ट्यूबवेल है यो, इस ट्यूबवेल ने चलाए बाद अरे आवाड़ेगा बढ़िया ठंडा चल पानी आओगा भाई बिस्मा का। देखो भाई वो आ गया ना, ओहो बहुत बढ़िया पानी है। तो भाई प्योद पटवानी शुरू कर दी है। तो भाई मेरे पीछे देखो तुम ट्यूबवेल चलाया है भाई, इस ट्यूबवेल तो पानी चल रहा है। ये भाई अड़े प्योद पड़ लाग रहे हैं, ये प्योद इस आड़े तो उखाड़ गए और फिर दूसरे किले में लगाए जाएंगे जोड़ा पानी होगा। तो भाई किला भी साथ में सूख लिया, इतना टाइम हो गया भाई ने। चलो भाई करते हैं बाद इनसे, पूछते हैं कि प्योद पाड़ने की प्रोसेस क्यों है, कितने टाइम की आप कितनी लंबी प्योद पाड़नी चाहिए और कितने दिन में पाड़न के बाद लगा देनी चाहिए, कितनी कितनी दूरी पर लगा रहा प्योद। चलो पूछा भाई। देखो भाई जमीन इतनी सूख ली थी, इसमें पानी भी नहीं रह रहा ना पा चलते कभी भी, इतनी सूखी वहाँ तो प्योद फाटक होना तो जाए थी पानी दवाया भी इसमें, ये पानी दिए पाछे सारे वहाँ पानी आ जाएगा तो आराम से प्योद फाड़ जाएगी ना तो जड़ टूटा ही नहीं। ये भाई लाग रहे भाई प्योद फाड़न, एक दो तीन छः सात आठ नौ दस ग्यारह जने लाग रहे भाई ये। कितने किले की प्योद पड़ोगे भाई, कितने किले की प्योद पड़ोगे? दो की, ग्यारह जने कितनी देर में पाट दोगे? कितना टाइम लगा दो किले की प्योद पड़ने में? एक घंटे में। प्योद कितने दिन की पाटन जोगी हो जा रहा है? 25 दिन प्योद लगाने के बाद वो मतलब पाड़न जोगी हो जाए, तो देख लो 25 दिन की प्योद जब हो जाएंगे, जब मतलब जब बीज बनाकर वो लगाया है तो 25 दिन के बाद अगर पाड़ोगे तो 25 दिन बाद पाड़न जोगी हो जाए वे। कहाँ से आए भाई साहब आप लोग? बिहार से आए हैं भाई ये। बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट से? कसौली, सुपौल। भाई मैं तो सिर्फ एक आरा डिस्ट्रिक्ट जानता हूँ बिहार का, आरा एक दोस्त है मेरा, साथ पढ़ते थे नौकरी करते थे नोएडा में। आरा से कितनी दूर है कसौल? बहुत दूर है आरा छपरा बलिया। कितने जने आए हो आप वहां से? 30 जने आए हो। कितने दिन हो गए आए? 15 दिन। देखो भाई काम कण खातर घटते इतनी दूर जाना पड़ा है, 15 दिन हो लिया भाई यहाँ आए उड़े थे, और बिहार बहुत दूर आ रहे थे भाई, ईस्ट में पड़ा भाई हरियाणा में बात करने लग रहे हैं। तो 30 जने आ रहे हैं, ये मेरे पास जो भाई आ रहे हैं ये काम के लिए, ये 11 जने आ रहे हैं।
यही भाड़े थे भाई, दो घंटे एक घंटे में दो किले ही पे भाड़ देंगे यार, फिर उसमें दूसरे किले में लगाओगे। तो धान लगाने की यही प्रोसेस है, पहले तो उनका बीज तैयार करो, फिर उनकी प्योध बनाओ, और प्योध पाड़ कर फिर दूसरे किले में लगाए जा रहे हैं। इसलिए देखो मैं पहले ही बताऊंगा धरती की, धान की खेती बीज तो लेकर न और कटन तक के टाइम तक ही पानी की जरूरत पड़ती रहे उसमें। जब तक बीज बनाया है जब भी पानी रोज पानी दिया करते भाई प्योधा में भी, जब प्योध लगाई थी अरे धान लगान खातर भी, पाड़न खातर भी पानी, और फिर जड़ लगानी है उड़े भी पानी, और फिर लागे पाछे भी पानी उसमें रहना चाहिए। जब पानी नहीं रहा तो प्योध जड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, मर जाएंगी, जिन कह दिया रहा भाई। तो धान खातर पानी बहुत ज़रूरी है। एक की बार देखो भाई हरियाणा का कई इस इलाके से हैं जड़े भाई पानी की मतलब पानी बहुत नीचे जा लिया है लेवल, क्योंकि धान की खेती की वजह से जो करीब देखो ट्यूबवेल चला रखा है, वो पीछे मेरे चल रहा देखो, इस ट्यूबवेल की वजह से क्या है वो ग्राउंड वाटर ना खींचना आ रहा, और ग्राउंड वाटर जितना नीचे जाएगा उतनी दिक्कत रहेगी पानी की। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कहे भाई धान की खेती कम करो, इसलिए नहर में पानी भी कम छोड़ रहा है। लेकिन भाई हमने क्या चाहिए लोगों ने, सिर्फ भाई ऐसी चीज़ चाहिए, मतलब खेती एक तरीके से भाई रोजी रोटी है, और भाई पैसा चाहिए, तो उस पैसे खातर भाई क्या खेती। मैं भी इस इलाके में जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ भाई, इसमें तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है मेरा गांव धानलान, तो इसमें तो भाई सिर्फ धान की खेती हो सका है। ईख होता नहीं, ईख अगर बो देते तो इतना पानी हो जाता भाई, सारा ईख गल जावा अड़ेगा, तो भाई मजबूरी में करने भी पड़ा है। लेकिन देखो बदलाव आ सकता है, क्रांति हुई है भाई, आज तो पहले भी हुई है, तो ये भी हो सका है कि अगर सब मिलकर ना धान की खेती छोड़ेंगे ना, तो जो जमीन का आम देख हाड़े चवा ऊपर है ठीक है, पानी की थोड़ी कम जरूरत है, तो हाड़े का नीचे भी जा सका है और खेती भी हो सका भाई, ना सब्जी होती ना ईख होता ना कुछ और, ना मक्का ना बाजरा ना कुछ नहीं होता हाड़े, धान गेहूँ बीच में ज्वार बो देंगे तो ज्वार का भी सारे काम है, थोड़े दिन बो दी फिर धान के चक्कर में उसने तकाजे तो कटवा देंगे आधे काम दो रहे, डांगर भी बेचारे न्यू है कदे मिल गया कदे ना, तो वही ये चीज़ चल रही है। तो वही भी भाई अड़े लग रहे हैं प्योध पाड़न, ये प्योध पाड़े पाछे ये जूटी बना लेंगे इनकी, देखो न्यू जूटी बना रखी है, वो बना रखी जूटी, न्यू जूटी बना बना कर धर लेंगे, और फिर इन भाई अड़े तो उस खेत में ट्रांसफ़र कर देंगे जिस खेत में यहाँ पर ने लगानी है। लो भाई इतने भी उड़े प्योध पड़न लग रहे हैं, इतना भाई अपना बड़ा भाई अड़े रूटा बैठते क्या करेगा प्लेन कर दिया सारे खेत ने। देखो सर धरती एक चीज़ पहले ही दिखाई थी कि पहले तो क्या था कि प्लेन खेत में मतलब प्लेन करके पहला ही खेत और फिर उसमें पानी दिया था, इसमें क्या कर रखा पहला पानी दे दिया और फिर इसमें क्या करना रहेगा प्लेन कर लग रहे हैं। दरअसल जो पहला प्लेन करके ना उसमें धान लगाने थे भाई, वो मैं तड़के उठाए इतना बहरा सांस को लगाए दिए थे मैंने दे रहे थे पट्टी, तो दूसरा किला है अपना, इसमें दिखाओ तुमने किस तरीके से इसमें धान लगाए जाएंगे। देखो भाई यो जो पीछे चल रहा है इसने कहा रूटावेटर, मतलब यो टिलिंग मिक्सिंग ग्राइंडिंग सारे काम एक का मशीन में हो जाए है, बढ़िया त्रिया कर दिया सारे काम ने, और इससे एक बार में देखो कितने पीछे देखो दिक्कत ही प्लेन करता धान लग रहा है। देखो भाई यो भाई कर देगा इसने इतना इतने भाई उड़े प्योध पड़न लग रहे हैं अपने द्वारा, भाई मेसी ट्रैक्टर है, वो मेसी ट्रैक्टर तो अपना सारे काम कर ला रहा है। देखो भाई बड़ा जबरदस्त सौदा है, वो बहुत हैवी भी है, एक आदमी तो भाई देखो लागे भी नहीं, देखो इसमें पीछे ने देखो भाई कभी प्लेन करता था ला रहा ना, ये इसमें क्या है कि गीले होने के बाद जो मिट्टी है वह भी मतलब थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो रही है, तो और भी बढ़िया तरीके से मिक्सिंग होने लग रही है, बढ़िया चल रहा है। देखो ट्रैक्टर 10 मिनट है, असल में क्या रूटावेटर भी ट्रैक्टर आगे ना धक्का मारने लग रहा है नीचे ना, जब जमीन में चल रहा है तो चल रहा होना ट्रैक्टर इतनी आराम से, इसमें ऑपरेशन ठा लेगा तो बोझ भी बहुत बना है इसमें भाई, तो लगभग कर दिया है ट्रैक्टर ने सारा,
और इतने पे भाई फिर पाड़ लेंगे, फिर फिर पाड़ कर नाड़े भाई वे फिर धन लगाओगे, और वे किस तरह लगाओगे वो भी देखो भाई 30 दिखा देंगे। लो भाई पौध लगाने कर दिया शुरू, और ये भाई ई लगे पौध लगाने खातर, और इन ला जाएंगे भाई कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे ला जाएंगे, क्योंकि भाई ये 11 जने हैं भाई। देख मेंबर्स पर डिपेंड करे, अगर 3-4 होते तो भाई और भी ज़्यादा टाइम लगता, मेंबर्स बढ़ गए तो टाइम कट गया, ठीक है। तो भाई देखो एक ज्यादा चीज़ देखो, देख मुट्ठी में भर रहा है पूरी जुट्टी ने, और फटाफट एक एक वो लगन लग रही पौध लगन लग रही है, और फटाफट पकड़ पकड़ कर मट्टी में काटने लग रहा है। देख मतलब कितनी प्रैक्टिस करी होगी, कितने टाइम तक ये काम करने लग रहे होंगे, जब न्यू लगने लग रही है कितनी प्रैक्टिस के बाद इतनी जुट्टी में आता है, एक का प्यो दिन के हाथ में आवा है। एक बार पीछे से कब भाई पिछले साल जब भी ये जो कर ज़्यादा पानी वगैरह हो जाए तो भाई कुछ प्यो दिया कि जड़ के हो जाए खराब हो जा रहा है, तो भाई खुद लगानी पड़ रहा है एक्स्ट्रा। तो उस टाइम मन लगाई थी तो मैं भी नुए देखूँ कोशिश करूँ था कि दो फटाफट मैं लगा देखूँ, तो मेरे तो लग ही नहीं, मेरे के एक 2-4 आव थी, फिर पकड़ पकड़ कर अलग कर कर फिर नू गाड़नी पड़े थी। अरे न देखो फटाफट देख कड़े तो शुरू हुए थे, पर ने वीडियो बनाने की शुरू करी जब अर्धे कड़े थी जा लिए इतनी देर में 2 मिनट में, तो 11 जने तो भाई किले लपेट दे, जितने ज़्यादा होंगे फटाफट काम ने कर दे हैं, बाकी इतने पूरे किले में भाई जूटियाँ ने फैला दें, जो जो फैला रहे सारे की देखें लगा देंगे भाई। तो लो भाई जिस किले में पर ने प्योध लगाए वो धान लगवाए थे ईब, उसमें भाई खाद भी गिरना है। देखो पहला तो हमने पहला खाद गिरा था बाण था पहला, फिर पानी गिर कर हमने पौध लगवा दी ई, फिर खाद गिरा था ताकि जो और भी पानी में जाने के बाद न्यूट्रिएंट्स थोड़े और भी ज़्यादा चाहिए हैं, तो जो ताकि और जल्दी ग्रोथ करे, ताकि पानी में तो भाई बरसात होगी तो डूब जाएंगे, तो वह डूबे ना, इसलिए भाई क्या थोड़ा और भी खाद गिरना पड़ेगा। तो भाई आज वो एक तो गबरू था और एक DAP खाद हमने मिला के इसमें गिरना लग रहा, तो चलो भाई एक बार ये खाद और गिर जाए, 3 किलो में खाद गिराएंगे। मसा पंतरी ना पूरे हुंदे डोडे बापू दे, जे शक दानी दुख देने गोडे बापू दे, तेनू कित्थों शॉपिंग करा दिया मेरे चा होए पए चूर चूर नी, मेरे प्यार नू नी बलिए लगे खेती बाड़ी कर दूगी दूर नी, तेरे मेरे प्यार नू नी बलिए लगे खेती बाड़ी कर दूगी दूर नी। लो भाई 3 किलो में खाद गेर दिया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी पूरी, देखो हाथ ऐसे हो रहे हैं, ये भाई जमींदार के हाल। 3 किलो में खाद गिरा है, 6 कट्टे थे, मतलब यू वो जो गबरू दिखाया था वो, और जो DAP था एक वो, ये दोनों का मिक्सचर करके गिरा है। तो भाई जो DAP है जिसका मैं जो फर्टिलाइजर यूज करा रहा, उस DAP की फुल फॉर्म बताइए मरती के हो है, और उसके यूज बताइयो कि क्यों डालते हैं हम DAP खेत में, ठीक है। तो भैया इन हाथों के साथ और ये पैर देखो किसे बोलिए, ये है भाई जमींदारा जो पानी लगाने खातर बिछाया था, देखो ये भी इतनी बरान भट्टी हो रही, मतलब इतना दुखी होकर ने समेटना पड़ रहा है यो, क्योंकि बारिश ने भाई सारा काम बिगाड़ दिया, कुछ सुधार भी दिया कुछ बिगाड़ भी दिया है। तो भाई एक बार समटवा दें इसने, देख लो भाई ये बेला इधर ही काम करना पड़े भाई, नुए को ना खेती होती है।
माटी में कदी चिपता चल रहा है, बहुत हंगा लगा भाई इसने खींचने में। देख न्यू न्यू कहती हुआ करती भला, अरे इससे वजह से लोग बीमार भी कम पड़ा करते। इब काम तो सारा रिमोटा का हो रहा है, वह रिमोट तो बैठ के चैनल बदलना, फोन कदी गोज मरा हुआ है, लैंडलाइन फोन आ रहे थे वो भी उठ करना सुनना पड़ा करता। ट्रैक्टर ब्रोटे ले जाओ है, सर पे कुछ होता ही नहीं। देखो खाद गेण का काम से वो भी कई लोग तो भाई नो पानी के साथ साथ भी बाधे हैं, इसने भी कितने एक दिन तक हाथ करेंगे देखा। चलो एक बार वैष्णव में खींच लूँ, दोनों हाथा तो खींचना पड़ेगा। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। लो भाई कर लिया साफ सफाई, यो हो भाई खेती बाड़ी का नतीजा। नहर में चलते पानी के अपने सारे कपड़े दे बनू धो लाए कभी सारे, जाते 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 सूख भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारे हाथ पाएगी माटी तार देंगे फिर। जी तो सक रहे नाले में लौट जाऊंगी। ओहो आई तो बैठ जाओ मैं। ओहो बहुत स्वाद आ रहा है भाई, बहुत स्वाद आ रहा है। ये गर्मी में ठंडे पानी का प्यारा कुछ नहीं लगता, मुंह नहीं धोते भाई पापा पसीने आ रहे हैं। इब मुंह धो लिया तो सर्द गर्म भी हो जाएगी। नहर का पानी भाई शीला कभी कितनी बार थी बैठे रहो भाई इसमें चाहे। क्या हाल है भाई खेती बाड़ी में, न्यू माटी में माटी और पानी में पानी, न्यू रह मिलकर रहना पड़ेगा। आज का काम खत्म कर दिया भाई, खाद घेर दिया चार किला में, तीना में खाद घेर दिया। तो भाई त्या भरना पूरा कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोयल को प्रिपेयर किस तरीके से कराया जाए, कौन सी टेक्निक यूज करी जा है। पहला लेवल करके पानी देने का भी दिखा दिया और पानी दे कर लेवल करने का भी दिखा दिया। फिर भाई हमने प्लांटेशन करी, प्लांटेशन कैसे कैसे करी गई, कैसे पहला बीज बनाया गया था, बीज पहला सेलेक्ट कराया गया भाई बीज, फिर वो बीज एक अलग क्यारी में बोया गया, जो वो छोटी छोटी प्यौध बन गई, वो प्यौध वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगाई गई। और इस प्रोसेस ने कहा प्लांटेशन, जो पैडी है जो धान लगाने की प्रोसेस है वह प्लांटेशन प्रोसेस तो यार है। तो देखो हमने क्या कर लिया भाई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया, सीडलिंग कर लिया, सोविंग कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, ठीक है। इरिगेशन का मैंने तुम्हें बताया था भाई, इरिगेशन हर फसल में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे भाई गेहूँ हो, गेहूँ में जब इरिगेशन हो रहा है जब वो छोटा छोटा बड़ा हो जा उग जा वो, ठीक है, फर्टिलाइज हो जा वो, जर्मिनेट हो जा खेत के में, जो गेहूँ आ रहा है वो बीज की तरह यूज करा जाएगा और वो मशीन के द्वारा खेत में बोया जाएगा। जब वो ऐसा हो जाएगा भाई इतना इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा एक इतना बड़ा, तो उसमें क्या करेंगे फिर पानी दे देंगे। उस पहले पानी देने का कहा भाई कोर,
ठीक है, पहला पानी जो गेहूं में जा रहा है उसमें कोर का आ रहा है, उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसमें फिर वो फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोसेस हो जाएंगे शुरू, जो ये धान में चल लगी, इनकी बोन की थोड़ी सी जो प्रोसेस है वो अलग है, धान में हमेशा के लिए पानी चाहिए और गेहूं में कदे कदे खाकर पानी चाहिए है। ठीक है, देखो गर्मी का टाइम है तो धान लगाया जा रहा है, और गर्मी में जो फसल लगाया जा रहा है उसने क्या कहा है, खरीफ की फसल, और गेहूं है जो सर्दी में लगाया जा रहा है तो सर्दी में लगाने वाली फसल ने क्या कहा है, रबी की फसल का आ रहा है। तो भाई इतना हो गया है, इसके बाद की जो प्रोसेस होगी उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि भाई इनको पकने में और भाई कटने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, 6 महीने की कम से कम। तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं, इसी वीडियो के साथ हम अंत करते हैं।